ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चमकी बुखार से प्रभावित बिहार के हरिवंशपुर गांव में वैशाली के सांसद पशुपति पारस और लालगंज विधायक राजकुमार साह को नेतागिरी चमकाना भारी पड़ गया। जनता ने दोनों को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, स्थानीय विधायक और LJP के नेता राजकुमार साह को स्थानीय लोगों ने बंधक भी बना लिया। मौके पर मौजूद लोगों की सांसद और विधायक से जमकर बहस भी हुई। इसके बाद विधायक राजकुमार साहब पैसे देकर छूटे। आप भी देखिए नेताजी को जनता ने कैसे खरी खोटी सुनाई। आप ही बताइए कि यहाँ नल जल योजना नहीं हुआ, सिलेंडर से बन जाते वाड़े वाड़े गिर रहे हैं। इस गरीब आप बताइए, हमको जवाब दीजिए। हॉस्टल से बात नहीं उड़ाएंगे, क्या हुआ? गरीब मर रहा है, गरीब को बताइए। उनके दरवाजे पर जाएगा तो ये बोलेंगे कि हम तो सबसे बड़का काम कर दिए, तो क्या किए? तो हम तो मुन्ना सुपा को हरा दिए, अब क्या करें? आज नींद टूटा है 3 साल में इनको, क्या किए हैं पूरे पंचायत में? और डिस्को पर डांस करने के लिए इनको 16 तारीख के चांदनी में टाइम था, या बच्चा मर रहा है 10 तारीख से तो आने के लिए टाइम नहीं था। दारू पी के डांस करने के लिए, इंजॉय करने के लिए टाइम है? गरीब का बच्चा मर रहा था, गरीब का बच्चा नहीं है, जानवर है। गरीब अमीर का बच्चा है। दरअसल वैशाली से लोक जन शक्ति पार्टी के सांसद पशुपति पारस और लालगंज विधायक राजकुमार साह हरिवंशपुर गांव इसलिए गए थे क्योंकि वहां ग्रामीणों ने उनके लापता होने के बैनर लगा रखे हैं। इनमें लिखा है बच्चे मर रहे हैं और सांसद विधायक का अता पता नहीं है। स्थानीय सांसद पशुपति पारस को खोजने वाले व्यक्ति को 11,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। चमकी बुखार से अपने बच्चों को खो चुके परिजनों के गुस्से को शांत करने के लिए सांसद वहां गए। दोनों ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5,000 रूपए और दवाइयां बांटी। सांसद पशुपति पारस और विधायक राजकुमार साह पैसे और दवाइयां बांटकर लूट ही रहे थे कि ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पैसे और दवाइयां बांटने में भेदभाव किया गया, बच्चों की मौत के मुकाबले कम लोगों को सहायता दी गई। लोगों के गुस्से को देखकर सांसद तो मौके से ही निकल गए, लेकिन विधायक राजकुमार साह को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने उन्हें मृतक बच्चों के परिजनों को पैसे देने के बाद ही छोड़ा। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में बच्चों पर कहर बनकर टूटने वाली बीमारी चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। बच्चों की मौत का आंकड़ा 150 पार कर चुका है। लगातार हो रही मौतों के बावजूद सरकार की सुस्ती से लोगों में भारी गुस्सा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब मुजफ्फरपुर के अस्पताल का जायजा लेने गए थे, तब भी लोगों ने उनका विरोध किया था। अस्पताल के बाहर नीतीश कुमार वापस जाओ के नारे लगे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पटना। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।